नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है, जैसा कि आप सबों को पता है कि अब हाल में ही पासपोर्ट का रैंकिंग को लागू कर दिया गया है, ठीक है। और इसके माध्यम से हमने जाना, कल का जो वीडियो था उसमें आपने जाना है कि टॉप 10 पावरफुल पासपोर्ट कौन कौन से हैं। जैसा आप सभी को पता है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे अधिक पावरफुल है, ठीक है। उसको पहला रैंक मिला है, उसके बाद सिंगापुर है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये पासपोर्ट हैं जो वहाँ के जो पावर को दिखाता है, उसका जो पासपोर्ट का पावर है। तो पासपोर्ट पावर होने का जो होता है, शक्तिशाली पासपोर्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो इसके माध्यम से, आज का वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो, उसका रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, 50वां मतलब 85 स्थान प्राप्त किया है हमारे देश भारत ने, ठीक है। तो इसके माध्यम से, तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो शक्तिशाली जो पासपोर्ट होता है, तो शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब क्या होता है, उससे संबंधित है आज का ये वीडियो। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो इससे संबंधित है आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हर साल लंदन के इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले ओम पार्टनर्स, ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये चीज को लागू किया जाता है, रैंकिंग को निकाला जाता है। तो इसमें ऋषि के द्वारा रैंकिंग को जारी किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। और इस रैंकिंग के जरिए यह पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और किस देश का कमजोर है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग यही जान पाते हैं कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, इसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं इस रैंकिंग के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे शक्तिशाली पासपोर्ट होने का मतलब क्या होता है, तो इसके माध्यम से यही मतलब होता है कि जिस देश का पासपोर्ट जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वहाँ के जो नागरिक हैं वो लोग बिना किसी वीजा के दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा देश को वे घूम सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, या चाहे वो किसी भी काम से जाएं या फिर घूमने जाएं, वो बिना किसी वीजा के साथ वे जा सकते हैं, ठीक है। जैसा आप सभी को पता है कि अगर हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को वीजा देना पड़ता है। अगर वीजा हम लोगों का अप्लाई करना पड़ता है सबसे पहले, अगर वीजा कंफर्म होता है तो ही हम अन्य देशों में जा सकते हैं। अगर हमारा जो पासपोर्ट है वो अगर स्ट्रोंग रहता है तो हम लोग बिना वीजा के हम लोग किसी भी देश में जा सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी जापान क्या है, नंबर 1 में है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे कि जो जापान है वो लगभग 193 कंट्री बिना वीजा के, वो वहाँ के लोग कहीं भी जा सकते हैं, मतलब 193 कंट्री बिना वीजा के वे घूम सकते हैं। तो इतना मतलब होता है पावरफुल होने का। लेकिन हमारा देश का जो है वो मात्र 85 रैंक्स पे है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये कोशिश करेंगे जानने का कि कैसे तय होता है पासपोर्ट का रैंकिंग। जैसे भी मैंने आपको बताया शक्तिशाली होने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लिस्ट जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स, इस बार दुनिया का 227 कंट्री को यहाँ पे शामिल किया गया था रैंकिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ये एयरलाइन से संबंधित है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो एयरलाइन से संबंधित है और उसी के माध्यम से उन्हें डेटा प्रदान किया जाता है। और डेटा जो प्राप्त होता है उसके द्वारा से ये रैंकिंग तैयार किया जाता है, ठीक है। जब रैंकिंग तैयार किया जाता है, रैंकिंग तय किया जाता है, तो कई तरह के कारकों को गौर किया जाता है। जैसे अगर किसी देश का जो पासपोर्ट है धारकों के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है, तो उस देश को
पासपोर्ट को नंबर वन का स्कोर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अगर हम भारत के हैं और हमें किसी देश पे जाना है, तो वहां पे हम लोगों को वीजा नहीं दिया जाता है, तो इसके आधार पर भी इस तरह के रैंकिंग को तय किया जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे पासपोर्ट को नंबर वन का स्कोर दिया जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर उस देश का, अगर भारत के पासपोर्ट के माध्यम से हम लोग बिना किसी वीजा के अधिक से अधिक संख्या में हम लोग भ्रमण करते हैं, जाते हैं, तो हमारा जो वीजा, हम लोगों का जो पासपोर्ट होगा वो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, नंबर वन होगा। और इसके साथ ही साथ जो वीजा ऑन अराइवल और विदेशी यात्रा से जुड़े अन्य कई कारक भी देश के पासपोर्ट रैंकिंग तय करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग ये जान पाते हैं कि कैसे यहाँ पर रैंकिंग तय किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि शक्तिशाली एवं कमजोर पासपोर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमने बताया, शक्तिशाली पासपोर्ट में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी देश में बिना वीजा के जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, घूम सकते हैं। अगर हम लोगों का पासपोर्ट कमजोर रहेगा तो हम लोग बिना वीजा के कम से कम देश घूम सकते हैं। अगर हम लोगों का पासपोर्ट मजबूत रहेगा तो अधिक देशों में घूम सकते हैं। अगर हम लोगों का वीजा पासपोर्ट कमजोर रहेगा तो हम लोग कुछ ही देश घूम सकते हैं बिना किसी के द्वारा। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है जापान के बारे में, वो चीज़ मैंने शुरू में बता दिया, 193 देश वे बिना वीजा घूम सकते हैं। और जैसा आप सभी को जानते हैं, जैसे बताया कल के वीडियो में, जो अफगानिस्तान का जो रैंकिंग है वो 109 है, मतलब सबसे कम मजबूत, मतलब सबसे कमजोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। तो वहाँ के लोग मात्र 27 देश ही वहाँ घूम सकते हैं, मतलब बिना किसी वीजा के। तो जैसा है, हमारा देश का 85 रैंक है, जो काफी चिंताजनक है। हम लोगों का जो पासपोर्ट है उसको और अधिक ऊंचा आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है अन्य देशों के साथ, वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जो वीज़ा है, माफ़ कीजिएगा, हमारा जो पासपोर्ट है वो अधिक मजबूत हो पाए। तो ठीक है, तो ये चीज़ आज के वीडियो में हमने जानने के प्रयास किया कि जो हमारा जो पासपोर्ट है वो शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली होने का मतलब क्या है और रैंकिंग किस आधार पे किया जाता है, ये सब बातों का हम लोगों जानने का प्रयास किया है। तो चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ इसी जानकारी के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।